गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग जहाँ पर पिछले वाला एंड किया था ना, आपको याद होगा, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये सावन का महीना चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो सुबह सुबह सबसे पहला काम आजकल यही है कि सारा काम ख़त्म किया और फिर पूजा करी अच्छे से। तो अभी तो मेरा वही चल रहा है, मैं सुबह सुबह जल्दी अपना काम निपटा के ना सबसे पहले पूजा करती हूँ। और लड्डू गोपाल को तो मेरा रूटीन है ही, डेली नहलाने का, डेली तैयार करने का, तो बस वही है। तो सावन सावन मैं सोच रही हूँ ना, जल्दी पूजा पाठ हो जाता तो अच्छा रहता है। वैसे तो घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, कुछ छोड़ के कुछ करके उस बीच में ये सब करती हूँ मैं। तो अभी मेरे जो झाड़ू पोछा वगैरह, सुबह का नाश्ता, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, वो सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद मैंने तो नाश्ता नहीं किया था और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगी पूजा। तो अभी तो मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया नहला के, और कमेंट करके बताना मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। तो बस नहला के तैयार करके लड्डू गोपाल को बिठा दिया है मैंने मंदिर में। और ये महीना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब इस तरीके के त्यौहार आते हैं ना पूजा पाठ वाले, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो नवरात्रि हो, शिवरात्रि वगैरह, और अभी ये सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इस टाइप के त्यौहार। तो उसमें ना घर में एक पॉजिटिविटी सी बन जाती है और एक रूटीन बन जाता है पूजा पाठ करने का। वैसे तो पूजा करने का डेली का ही होता है, बट डेली क्या होता है ना, जब आपका काम पूरा आप ख़त्म कर लेते हो उसके बाद ही कर पाते हो। लेकिन इन दिनों में क्या है, आपको ना पूजा के लिए पहले टाइम निकालना पड़ता है, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सुबह उठो, नहाओ धो, पहले पूजा कर लो और घर का काम ना हो। तो पहले मुझे झाड़ू पोछा जरूर चाहिए पूजा करने से पहले घर के काम के लिए। तो बस सबसे पहले उठ के मैं वही करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ और पूजा करती हूँ, फिर किचन का थोड़ा बहुत जो काम मेरा छूट जाता है ना, उसको मैं बाद में करती हूँ। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर दिए थे, लेकिन काउंटर टॉप और गैस स्टोव मैं नहीं कर पाई थी, मैंने वो छोड़ दिया था, क्योंकि ये छोटे काम है, आप ये पूजा पाठ करने के बाद भी कर सकते हो। तो जैसे झाड़ू पोछा हुआ, बर्तन वगैरह हुए, वो आप पूजा करने मतलब पूजा से पहले ही आपको करने चाहिए, पूजा करने के बाद वो सब काम अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़े काम पहले निपटा लेती हूँ जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़े बहुत छोड़ देती हूँ जो इजी हो जाते हैं, तो पूजा पाठ के बाद, नहाने के बाद आप वो कर सकते हो। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कितने अच्छे से अपने किचन को क्लीन कर दिया है सारी चीज़ें। तो एक कढ़ाई रह गई थी क्लीन करने के लिए, मतलब साफ़ करने के लिए, तो उसी को मैं अभी कर रही थी। और तो बाकी मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, और काउंटर टॉप और गैस स्टोव को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और लास्ट जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ ना, ये परात रह गई थी मेरी साफ़ करने के लिए, तो इसको भी मैं साफ़ करके अच्छे से रख दूंगी, उसके बाद सिंक को अच्छे तरीके से क्लीन कर दूंगी। तो दोपहर का भी मैंने आज सुबह ही अपना खाना पीना सब बना लिया था, क्योंकि हस्बैंड लंच लेके गए थे ना, उसी टाइम मैंने भी अपना बना लिया था। तो मुझे अभी खाना बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी इसी वजह से ना किचन एकदम साफ करके छोड़ दूंगी रात के डिनर के लिए, शाम के लिए, मतलब जब चाय वगैरह बनती है अब तभी यूज होगा। उसके बाद गाइज ये है इवनिंग टाइम, और मैं सीधे आपसे अभी इवनिंग टाइम में मिल रही हूँ। दोपहर में मैंने अपनी वीडियो वगैरह की एडिटिंग करी, सुबह का सारा काम खत्म करने के बाद थोड़ी दोपहर में ना थकान हो जाती है, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा। रेस्ट तो क्या ही होता है, नींद तो मुझे आती नहीं है। उसके बाद मेरे जो बच्चे कुचे थोड़े बहुत काम है मैं वो देख लेती हूँ, और रेस्ट के साथ साथ अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ उस टाइम में। तो बस उसके बाद ना हस्बैंड तो अभी आने वाले नहीं थे, तो शाम का टाइम हो गया था, तो मेरा मन हो गया था चाय पीने का, तो मैंने यहाँ पर ना चाय चढ़ा दी है, और साथ साथ मैं यहाँ पर अपने ब्रेड के ना सैंडविच बनाऊंगी। तो ये ना ओट्स मैंने सुबह बनाए थे, तो उसमें से ना थोड़े बच गए थे नाश्ते में जो बनाए थे, तो वो मैंने रखे हुए थे, तो अभी मैं उसको ना ब्रेड में फिल करके और तवे पे ही सेक लूंगी। बीच में ब्रेड, दो ब्रेड के बीच में फिल करके ना, और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑयल लगा के, तो उसको ना कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। और गैस कम रखनी है, तब आप ब्रेड सेक रहे हो तब ज़्यादा मतलब कुरकुरे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने दो ब्रेड बनाऊंगी, मतलब दो सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि ये ना बहुत छोटे वाले ब्रेड थे इस वजह से,
और चाय साथ में मैंने बनने के लिए रखी दी है, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और शाम को जब चाय बनती है ना, तो चाय ना खाली तो पी नहीं जाती है, उसके साथ ना कुछ चाहिए होता है। तो कई बार नमकीन बिस्किट ये सब खा लेता है, बट जब उससे मन भर जाता है ना, तो फिर कुछ अलग सा खाने का मन करता है। तो इस टाइम पे ना कुछ ऐसा चाहिए जो कि हेल्थी भी हो और चाय के साथ अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर मैंने ओट्स के जो है ब्रेड सैंडविच बना लिया है और साथ में हो गई है मेरी चाय। अब मैं चाय पीने के बाद आप सब लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस चाय वगैरह मैंने पी ली थी और उसके बाद ना आज लाइट ने इतना परेशान किया हुआ है, यहाँ पर ना इतने ड्रामे होने लगे हैं लाइट के, एक दो घंटे ना डेली का हो गया। तो पता नहीं ट्रांसफार्मर में कुछ हो रखा है, तो उसी को ना ठीक कर रहे थे, तो उस वजह से ना ग्रुप में मैसेज आ गया था कि 1-2 घंटे के लिए लाइट नहीं आएगी। तो शाम का टाइम हो गया था, तो मुझे लाइट तो जलानी थी, वैसे तो मैं पूरा अंधेरा करके ही बैठी थी, सारे घर की लाइटें बंद कर रखी थी, बट अभी शाम के टाइम मैंने लाइटें जलाई। मैंने अपने अरोमा डिफ्यूज़र को चलाया और इस टाइम पे ये चला के इतना अच्छा लगता है ना, तो ये इसमें ज़्यादा लाइट भी नहीं जाती है, तो इस टाइम पे तो लाइट जलानी थी वैसे भी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, अच्छा नहीं लगता है अंधेरा अंधेरा। तो बस मैंने अरोमा डिफ्यूज़र को चला दिया है और ये देखने में जितना सुंदर लगता है ना, उतनी अच्छी खुशबू भी होती है इसकी घर में। और इसके साथ जो भी ऑयल आते हैं ना, आप अपने जो भी खुशबू आपको पसंद है आप उस हिसाब से मंगवा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ना प्लांट्स में गुड़ाई करने आई थी, बट वो वीडियो शूट ही नहीं हो पाई पता नहीं कैसे। फिर मैंने देखा तो दोबारा से मैंने चलाया जब मैंने पानी डाला प्लांट्स में, और कबूतर तो वहां पे मेरे प्लांट्स छोड़ नहीं रहे हैं, जितना भी मैं उसमें लगाती हूँ ना, वो नौ भजिया गुल दोपहरी जो भी बोलते हैं वो सारी खा जाते हैं, तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। बट फिर भी मैं देखती रहती हूँ उस चीज को, मुझे अच्छा लगता है। वो मैंने रेलिंग प्लांटर्स लिए हैं, तो वो रेलिंग पे ही अच्छे लगते हैं। हस्बैंड उनको बार बार उतार के नीचे रख देते हैं क्योंकि वहां पर ना कबूतर छेड़ते नहीं है, बट मेरे को वो रेलिंग पे ही अच्छे लगते हैं, तो यही चलता रहता है हमारा। उसके बाद मैं प्लांट्स में पानी डाल के आई तो डिनर बनाने की तैयारी करने लगी थी, तो मैं किचन में आई, तो आज मेरा मन हुआ, लौकी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ। हस्बैंड काफी बार बोल भी चुके हैं, सुबह के टाइम बनते नहीं है लंच में, क्योंकि उस टाइम थोड़ी जल्दी रहती है, तो आज मैंने सोचा कि चलो लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ। तो बस एक छोटी सी लौकी रखी थी, और इस बार हस्बैंड जो सब्जी में लेकर आए थे ना, 2 लौकी लेकर आए थे, और इतनी अच्छी निकली है ना, जितनी पतली लौकी लेकर आओगे ना उतनी ज़्यादा ताज़ी फ्रेश निकलती है। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च एक साथ कट कर लिए हैं बड़े बड़े पीसेज में, और लाइट अभी थी नहीं, उनको मुझे पीसना है मिक्सी में, बट जब तक लाइट नहीं है तो तब तक वैसी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो घिया को ना मैंने लौकी को जो है ना कस लिया है कद्दूकस से, और इसको ना अब जितना भी इसके अंदर पानी है उसको निचोड़ देंगे, और उसके बाद उसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, जो भी ड्राई मसाले होते हैं आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद मैंने इसमें किया है थोड़ा सा बेसन ऐड, और इसको ना अब अपने हाथ की हेल्प से ना इसको मैश कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारे मसाले और बेसन एकदम से कोट हो जाए। तो इसको मैंने ना हाथ की हेल्प से किया है, क्योंकि आप और किसी चीज़ से करेंगे तो इतने अच्छे से मिक्स होता नहीं है। तो अब उसके बाद इसके पकोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे, अभी लाइट तो आई नहीं, तो तब तक मैं ना जो लौकी के पकोड़े हैं कोफ्ते हैं वो बना के तैयार कर लेती हूँ। तो उसी बीच में ना लाइट भी आ गई थी, तो तुरंत मैंने कभी दोबारा चली जाए ना जल्दी जल्दी से मैंने मसाला पीस लिया। तो जो मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च लिए थे ना, उसी के अंदर मैंने सारे ड्राई मसाले भी थोड़े थोड़े ऐड कर लिए थे, और दोनों चीज़ों में ड्राई मसाले ऐड करने होते हैं। इधर आपने जो कोफ्ते के लिए मिक्सचर बनाया है उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, और जो आपने मसाला इसको बनाने के लिए मसाला बनाओगे प्याज टमाटर वाला, तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो आपको ना अपना हिसाब देखना है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ों में मिक्स ज़्यादा कर दोगे तो फिर वो नमक वगैरह ज़्यादा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने छोटी छोटी बोल्स बना के ऑयल में डाल दी थी गर्म होने के बाद, और ऑयल को ना मीडियम फ्लेम पे रखना है, क्योंकि ये ना अंदर से अच्छे से पकने चाहिए, वरना अगर आप तेज फ्लेम पे पकाओगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से दिखने लगते हैं पक गए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना सारी बोल्स जो है तैयार कर ली थी, मतलब कोफ्ते, और 2-3 अभी रह गए थे तो वो मैंने अभी कढ़ाई में ही छोड़े हुए हैं, तो तब तक मैं इधर मसाला तैयार कर रही थी। और इधर मसाला ना मुझे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑयल डाला, जीरा डाला, और उसके बाद सारी चीज़ें आज मैंने मसाले में ही ऐड की हुई थी, तो तुरंत मैंने मिक्स वो वाला मसाला डाल दिया। उसके बाद उसको ना अच्छे से 10-15 मिनट के लिए पकाना है। जब उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और ऑयल सेपरेट होने लगे ना, तब
लगता है कि हमारा मसाला पक चुका है, उसके बाद आपको उसमें सारे जो है कोफ्ते ऐड कर देने हैं जो आपने बना के अलग से रखे थे, और पानी ऐड कर देना, उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना पानी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि जब आप इसको बना के छोड़ते हो ना तो कोफ्ते ना पानी पी जाते हैं, अंदर सोख लेते हैं, तो फिर वो गाढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए पानी ग्रेवी थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। उसके बाद गाइज हस्बैंड तो अभी तक भी नहीं आए थे, वो आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि थोड़ी दूर गए थे कहीं पर, तो मैंने अभी बात करी थी, तो उसके बाद पूजा का हो गया था टाइम, तो मैंने कहा चलो पूजा भी हाथ के हाथ कर लेती हूँ। तो गाइज हमारा डिनर हो चुका है रेडी, और हस्बैंड अभी आए थे, तो ये मैंने हस्बैंड के लिए लगाई है थाली। उससे पहले ना, हस्बैंड के आने से पहले मैंने दो रोटी खा ली थी, क्योंकि मुझे लेनी थी टाइम से दवाई और ये हो गए थे लेट, तो इस वजह से मुझे खाना पड़ा था, बट मैंने चावल नहीं खाए थे, तो मैंने दो रोटी खा के अपनी दवाई ले ली थी, और अभी मैंने इनकी थाली लगाई है, तो मेरा भी चावल खाने का मन हो रहा था, वो मैंने सोचा था कि तभी आ जाएंगे, चावल तभी खा लूंगी, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिए है चावल, तो अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर, आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। गाइस ये नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब थर्सडे की मॉर्निंग, और यहाँ पर अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट क्या लंच ही सोच लीजिए, क्योंकि रात के चावल बचे हुए थे, तो आज ना हस्बैंड का फ्राइड राइस ले जाने का मन हुआ, तो उन्होंने बोला कि रात के जो चावल बचे हैं ना उन्हीं को फ्राइड कर दो, आज मेरा रोटी सब्जी ले जाने का मन नहीं है, मैं इन्हीं को ले जाऊंगा दही के साथ खा लूंगा। कभी कभी होता है ना रोटी सब्जी ले जाते हुए मन मतलब बोर हो जाता है, और कुछ फिर अलग सा चाहिए होता है और हल्का चाहिए होता है, तो इस वजह से उन्होंने ना फ्राइड राइस बनवाए थे, तो बस यहाँ पर मैं उन्हीं को बना रही हूँ, और उसमें ना मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ जब मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ, खाली जीरा प्याज कटे हुए, और उसके बाद ड्राई मसाले, नमक थोड़ा सा, उसके बाद चावल सीधे, क्योंकि ना जब टमाटर ऐड करते हैं ना, एक तो मुझे पसंद नहीं है इसमें, और ये ना फिर थोड़ा ना गीला गीला सा हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो जब खिले खिले बनते हैं ना बिना टमाटर के, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राइड राइस बना के तैयार कर दिए, और हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, वो गए हैं अभी पूजा करने के लिए, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मॉर्निंग की इन्होंने पूजा भी कर लिया है, इस कमरे में मैंने झाड़ू पोछा पहले ही कर दिया था, क्योंकि मॉर्निंग की ये पूजा करके जाते हैं हमेशा, तो बस ये पूजा करके चले जाएंगे ऑफिस, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने बाकी के काम में, तो जो कि आज मुझे सबसे पहले ये बालकनी क्लीन करनी थी, और इस वीडियो को ना गाइज मैं यहीं पर एंड करूंगी, वरना ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसके बाद का काम आपको ना अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट, मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।